हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पे एएम फिटनेस पे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, आज है 29 एंड बुल्लू का बर्थडे है। तो आज हम उसके बर्थडे पे करने वाले हैं कुछ स्पेशल। और आपको ये भी पता चल गया कि हम कहाँ हैं, हम रुके हैं नैनीताल। तो ये हमारा होटल है जहाँ से पूरा व्यू हमें दिखता है। और अब हम जा रहे हैं घूमने, जो इसे देखना है। कहाँ जाना है घूमने? जू जाना है घूमने। तो चलो, अभी तो पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर उसके बाद इसे जू देखना है। तो आपको नैनीताल का जू भी दिखाएंगे कैसा है, और सारी चीजें जो भी हम करेंगे। आप लोग ऐसे ही बने रहो हमारे साथ। तो करते हैं, मैडम हो रही है यहाँ तैयार, रेडी। तो ये तैयार हो चुकी है, तो हम भी हो चुके हैं तैयार। तो चलो, हाँ तो चलो चलते हैं। तो ये है हमारा होटल, होटल विला एस्टोरिया, और ये निकल रहे हैं दोनों तैयार होके। बुल्लू इज वेयरिंग न्यू कपड़े एंड ही इज आल्सो वेयरिंग न्यू कपड़े टुडे। ओह वाओ, दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो ये है माल रोड का दिन का व्यू, जो कि काफी अच्छा है। स्कूल के बच्चों की हो चुकी है यहाँ की जल्दी छुट्टी, तो सब स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। भाई ठंडी ठंडी, जहाँ धूप है ना वहीं गर्मी लगती है, वरना तो ठंडी ठंडी हवा लगती है। बहुत ही अच्छा एंजॉय। पहले हम जा रहे हैं कुछ पेट पूजा करने, नाश्ता करने, फिर हम आपसे मिलते हैं। हेलो, ये देखो दोनों, नाइस गाइस। ये है दिन का व्यू लेक का, नैनीताल झील का। ये देखो आप, ये माल रोड है और ये है नैनीताल झील। में चलते चलते हमें मिल गी चश्मों की दुकान, जहाँ की 100 रुपये, भैया कितने के? 100 रुपये में अब ये हीरोइन बन रही है। ये देखो, ये मेरा है पहना ना। तो ये देखो मेन चीज, 100 रुपये, 200 रुपये, 10,000 रुपये नहीं होती। शिकल अच्छी होनी चाहिए, आदमी की पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, कोई भी चीज अच्छी लगेगी। तो हम 100 रुपये में बने हैं हीरो हीरोइन। मैं कैसी लग रही हूँ बताना है। नाइस। तो गाइस, हमने लिए हैं 100-100 रुपए के चश्मे यहाँ से, क्योंकि हमारे चश्मे छूट गए गाड़ी में, तो हमने यहाँ से शॉपिंग की है। तो आप लोग कमेंट्स में बताना क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ। तो एक और लगा के दिखाऊंगी, दिखाओ। नहीं नहीं, ये तो ऐसे लग रहा है केबल का काम करते हो आप। तो चलो गाइस, हम आगे चलते हैं। ये शॉपिंग हम 100-100 रुपए के चश्मे खरीदे हैं, और तीनों की पर्सनैलिटी देखो, भाई वाह, तीनों हीरो हीरोइन लग रहे आप लोगों को। प्लीज कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को। लव यू ऑल। फाइनली हमें ये रेस्टोरेंट मिला है, जो कि नैनीताल के झील के सामने है, माल रोड पे। तो चलो इसमें खाते हैं कुछ, बाकी देखने में तो बहुत अच्छा है। अंदर चल के देखते हैं कि खाने के लिए क्या ही अच्छा मिलेगा। है एंट्री कैफे में, तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ खाने के लिए। पिज्ज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं जाएंगे। जय हो गणपति बाबा। तो पहले गणपति बाबा की बाहर बैठने का टेरिस की तरफ, भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है। सामने झील है, यहाँ आप बैठ के खाना खा सकते हो। तो बैठो, खाके पिज्जा बहुत ही अच्छा था, एकदम मस्त मजा आ गया। और अब हम जा रहे हैं जू की तरफ। वाओ, एक तो ये इतना अच्छा व्यू लग रहा है ना यार, मन चाह रहा है यहीं बस यहीं खड़े रहो, यहीं खड़े रहो। वहां से ली है जू की टिकट, वो जो भैया बैठे हैं, ये है हमारी टैक्सी जिसमें जा रहे हैं हम जू बैठ के। तो यहाँ से टैक्सी मिलती है जू जाने के लिए। तो चलो चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं। चलो भाई साहब, आज बहुत दिनों के बाद, मैं देख रही हूँ, हाँ आज बहुत दिनों के बाद ऑफिस की कैब की याद आ गई है। जब मैं घर जाती थी, जब ऑफिस की कैब में ये टवेरा में जाती थी, अलो भी शेक हो रहा है। किस्मत इतनी अच्छी है इस ट्रिप पे, कहीं से भी टैक्सी करते हैं, कहीं भी जा सकते ना भाई साहब, कोई ना कोई पागल टकरा जाता है। अब देखो फिर जाम में फंस गए। जू जाने के लिए किसी ने आगे वो क्रेटा खड़ी कर रखी है, हटा नहीं रहा। अब ये अपना एरिया तो है नहीं, होता है UP 16, ऐसे कोई आगे गाड़ी खड़ी कर देता तो फिर देखते थे क्या होता है। बट चलो अब बैठ के, कब तो नहीं, आधे घंटे से तो हम बैठे हैं, देखते हैं कोई भैया सब अपनी ईगो सैटिस्फाई करने के लिए है। भाई हम पीछे नहीं जाएंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे, तो करो भैया बैठो। यार ये रोड देखो कितना सा है, तन्नक सा रोड है, ऑल्टो पे फुल हो गया ये रोड, और भैया यहाँ चला रखे हैं लोगों ने। चलो गाइस, अभी तो गाइस फाइनली पहुंच गए, इधर पीछे बैठ रहे। मेरे तो पूरे रास्ते यही डर था, खिड़की खुल के मैं रास्ते में ना घिसट जाऊं।
भाई साहब मैं तो पहली बार बैठा हूँ ऐसी गाड़ी में और पीछे भी। तो ये है यहाँ जू का रास्ता, बाकी अभी जू पहुँचे नहीं है तो हम जा रहे हैं। तो चलो जू चल के फिर आप लोगों को दिखाते हैं। यह है जू की चढ़ाई भैया ऊपर की, और ये देख रहे हैं आप ऊपर से व्यू कितना अच्छा आ रहा है नैनीताल का। ये बादल का तो हमारे पास आ रहे हैं, इतना प्यारा लग रहा है। अभी तो और इतने ऊपर चढ़ना है, ये देखो इनकी हालत ख़राब है। तो ये जानवर हम देखने जा रहे हैं। ये यहाँ है जू, तो फाइनली पहुँच चुके हैं ये जू, और यहाँ से हो गया आई थिंक एंट्री। वहाँ है टिकट काउंटर जू का, वो अंदर महिला दे दी है टिकट, और यहाँ से एंट्री जू जाने की। भाई साहब हालत हो गई ख़राब। ये देखो कितने हम नीचे आए हैं या पहुँच गए हैं नैनीताल जू। तो ये आपको दिख रहा है, ये लिख रहा है नैनीताल जू जू। और देखो इसके अंदर मछली है। तो शुरुआत हमारी हुई है मछली देखने से। मछली जन की रानी है, फ्राई करके खानी है। ये बहुत ही अच्छा है, ये देखो सारे वो हैं, और वहाँ ऊपर लिखा है पटे में जू। तो ये है नैनीताल। ये देखो ये है कुछ मोर जैसा, सिल्वर फिजेंट, एक ये रहा सिल्वर फिजेंट, तो ये है गोल्डन फिजेंट। ये गोल्डन कलर की है, ये देखो अंदर से दिखे। ये देखो कुकुक कुकुकु, ये मुर्गी जैसी है कुछ, ये भी जो है ये भी मुर्गी जैसी है, तनी क्या है ये है हिमालयन मोनल। इसके बच्चे भी है, खानदान भी, पूरा खानदान मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये रहा हिमालय। इधर नो एंट्री है, और यहाँ देखो टाइगर महाराज। तो चलो ऊपर हैं ये, ये तो इनका फोटो है, बाकी इसमें गुस्से में दिख रहे हैं। क्या पता मांछ में क्या है बे, इतना गुस्सा क्यों, इतना थक चुके हैं लोग। अगर जो टाइगर बाहर निकल के पीछे भगे ना, तो उसके आगे जिंदे ही लेट जाएं कि भैया एक काम कर ले खा ले, अब भगा नहीं जाएगा। जो भी था टिकट लेने के बाद ऊपर आने तक हमने अपनी आत्मा संस्था छोड़ दी, तू अब अपना पेट भर ले, हमें इस जिंदगी से मुक्ति दे दे। हम उससे इन बातों से अलावा कोई बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हालत पिंग हो चुकी है। तो चलो भाई साहब को देखते हैं। ये टाइगर और एक भाई साहब वहाँ बैठे पूरे। ये देखो ये घुस गया कहीं, ये देखो ये आ रहा तो टाइगर। हेलो अरे भाई साहब, ये देख लिया हमने टाइगर, कैसा दिल खुश किया है। आगे आपकी प्रतीक्षा में है ये सब। इनसे मुलाकात हो गई टाइगर से, रेड पांडा अभी ये सब भाई साहब अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये गेस्ट है जो इनसे मिलेंगी, इनसे मिलने का वो है इन्हें। तो ये आ रहा ये रहा। ये देखो ब्लॉगर, मम्मी कसम चढ़ाई जावा है। तो ये है बियर की गुफा, बाकी यहाँ है नहीं बियर। मुझे लग रहा है मौसम अच्छा देख के वो बियर भी नहीं चला गया है, तो बाकी जब नशा वसा होगा उसे आएगा तो दोबारा देखेंगे। तो ये देखो बुल्लू और मायला कहाँ के बैठी हैं, इन्हें खाना चढ़ते चढ़ते भूख लग गई, तो माँ बेटी देखो कैसे बैठे खा रही है। ये देखो तुम्हें बहुत ही बड़ा जू है, बाकी हम यहाँ जानवरों को देखने आए हैं। हमारे ग्रुप में भी काफ़ी जानवर है जिन्हें देख के हम खुश रह सकते हैं, पर फिर भी इनमें और उनमें बहुत डिफरेंट है, यही अच्छे हैं उन सालों से। तो यहाँ है हिरण, तो ये देखो हिरण की फैमिली। हेलो, ये देखो एक अंदर है, ये देखो तो ये है हिरण, एक ये रहा हिरण, ये खाना खा रहा है अपना, ये हिरण का बच्चा। दोनों जुगाड़ बना रहे हैं अपना, ये ऐसे कितने ऐसे मौसम का, ये देखो कितने प्यारे। चल दिए भैया ऊपर, नखरे बहुत हैं इन्हें।
दो घंटे हो गए देखते देखते दिख नहीं बहुत ज्यादा मुझे तो भी दिख गया, लेपर्ड भी दिख गया, तो सब दिख गया। किस्मत बहुत अच्छी, पहली बार ऐसा हुआ है बचपन से लेके अभी तक कि जू में सारे जानवर दिखाई दिए हैं और सब जागते हुए दिखाई दिए, घूमते हुए दिखाई दिए। चलो और देखते हैं और कौन कौन से हैं। एक तो दो तो साथ में ही है मेरे, मोर भी ऊपर आ गए। देखो बादल कितने पास आ गए हमारे, ये देखो नीचे है पूरा नैनीताल, ये देखो बहुत मौसम हो रहा है, ये देखो एक हिरन, ये रहा ये घास खा रहा है कितना प्यारा। आपको रेड पांडा, ये रहा उधर, ओहो भाई साहब उठे हैं। हेलो, तो ये रहा रेड पांडा, तो ये वॉक करके जा रहा है, ये देखो वो गया, ये आ रहा, ये है रेड पांडा, कितना प्यारा लग रहा है। कोई श्री गंगनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पे देखो ये मन्नत के रुमाल लगे हुए हैं सारे, ये देखो यहाँ जो भी मन्नत मांगता है या जो भी यहाँ की श्रद्धा होगी वो है, तो वो वहाँ आप सामने देख पा रहे हैं, सामने ये मंदिर है। ये रही नीलगाय, एक बोरी एक येरी, लंगूर ये रहे, तो हमें मिले लंगूर देखने के लिए। हम दोनों को लगता है अलग कर दिया, ये एक दूसरे से इतना प्यार कर रहे हैं, ये देखो बातें कर रहे हैं। ये है मारखोर, पता नहीं हमें तो बारा सिंगा के नाम से ही जानते थे हम तो, पर इसका कोई नया नाम है मारखोर। हेलो, तो ये रहा इतना प्यारा है देखने में। ओ भाई ये बकरा है, बकरा ये मारखोर वारखोर नहीं है, ये बड़ी जाति का बकरा लग रहा है मुझे तो। ये देखो कितना प्यारा है, तो ये है पाम ट्री, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ वो रहा। ये देखो कैसे घूम रहा है, चक्री खा गया, ये पागल हो चुका है, भीतर ही भीतर चक्री खा रहा है। ये भेड़िया है, ये देखो गुस्सा कर रहा है। मेरे साथ भी दो भेड़िया हैं, ये देख। तो ये है उल्लू, कितना बड़ा कैसे बैठा है भाई साहब, नाराज है ये किसी ना किसी बात से। तो चलो, हाँ है गाइस वाइट मोर, वाइट पीकॉक, सो ये देखो कितना प्यारा है, वाओ वाइट पीकॉक कितना प्यारा लग रहा है, आवाज तो में बहुत प्यारा लग रहा है वाइट पीकॉक। ये देखा आपने कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है वाइट पीकॉक। ये रे मोर, ये है पीकॉक मोर, और ये मोरनी, ये देखो ये एक और पीकॉक है जो वाइट पीकॉक के साथ है, ये कितना प्यारा लग रहा है ये भी। ये देखो कितने सारे बैठे हैं, हेलो हेलो बड़ी, ये देखो कितने सारे, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है मिठू। कितनी प्यारी सीनरी बना रखी है देखो दीवार पे, बहुत बहुत अच्छी लग रही है, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं, कितनी प्यारी सीनरी है, कितना अच्छा व्यू है कसम से भाई, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये देखो इस टाइम हम बादलों के बीच में हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये देखो पूरा दिख रहा है पीछे पूरा कोहरा, फू ऑडिटोरियम एंड दिस इज नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, लेट्स सी के अंदर क्या है। ओ वाओ इट लुक्स सो नाइस एंड ब्यूटीफुल, सो इट हैज ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये पहले हम ऐसे हुआ करते थे, फिर हमारा इन्वॉल्वमेंट हुआ, ये हमने आग जलानी सीखी राइट, ये देखिए उसके बाद हमारा इवॉल्वमेंट हुआ ऐसे, और उसके बाद हम बन गए इंसान, वाओ ये देखो, फिर हम बन गए ऐसे जो कि नहीं बनना चाहिए सन, फिर ये हमारा फर्स्ट सन के पास सबसे ज़्यादा है मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर है हमारी अर्थ, फिर है हमारा मार्स, फिर है हमारा जुपिटर, फिर है सैटर्न, फिर है यूरेनस,
फिर है नेपट्यून, पहले हमारा एक और प्लैनेट होता था प्लूटो बट वो अब नहीं रहा है, तो वो है मून एंड वो है अर्थ। वाओ यार, इतना ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने समझाया है ना, पूरा मिनिएचर है नैनीताल का, ये है नैनीताल हमारा। वाओ यार, बहुत ही ब्यूटीफुल, ऊपर हिमालयन रेंज दिख रहा है, फिर नीचे ये नैनी लेक दिख रही है हमको, और ये पूरा वाइल्ड लाइफ दिख रहा है। इट्स सो 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 ब्यूटीफुल यार, देखो छोटे छोटे लेपर्ड और टाइगर एंड भालू बने हैं, पिजन्स बने हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। टाइगर, वाओ, ये है लेपर्ड, तक पास से देख रहे हैं। ओ भाई साहब, ये देखो इसकी आंखें, एकदम ओरिजिनल लग रहा है, एकदम ओरिजिनल, सी द साइज। और इसने यहाँ पे डियर को मारा हुआ है, ये देखो। वाओ, हमारा इंडिया का नेशनल एम्बलम जिसके ऊपर लिखा है सत्य में जयते, सच्चाई हमेशा जीतती है। यहाँ पे मिल गए हैं हमें बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बढ़िया लोग, बिग फैन, बिग फैन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये देखिए, तो ये उत्तराखंड से हेल्थ उसमें है भाई। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हेल्थ चेयरमैन है। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके। तो यहाँ पे हम लोग आए थे सिर्फ कॉफी वॉफी लेने के लिए, और यहाँ पे भैया मिल गए, और ये है हेल्थ चेयरमैन यहाँ पे। अच्छा, और जो यहाँ का कल्चर है, यहाँ की जो व्यंजन है, हम उसको प्रमोट करते हैं। यहाँ के जो उत्तराखंड के मेन सिलबट्टे की चटनी, ये वो जो भी है, हम उत्तराखंड का डिशेज ज्यादा बेचते हैं, ज्यादातर कॉन्टेक्ट मेरे पास ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। पक्का घूम लिया, अब थक चुके हैं, तो थकने के बाद तो ये मंगाया है हमने, फ्रूट्स आया है, कढ़ी चावल, तो बुल्लू खा रही है फ्रूट्स, तो कढ़ी चावल भी आए हैं। तो मैडम आप खाओगी कढ़ी चावल? स्पेशल है, कढ़ी चावल हफ्ते में एक बार बनते हैं और यहाँ के स्पेशल है, तो हम जरूर चेक करेंगे कैसे हैं। तो चलो खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और मैगी ना खाई तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, तो हम खा रहे मैगी। ये देखो दोनों कैसे टटर मटर उतर रहे हैं, हालत ख़राब, एक ने हील पहन रखी है, अच्छे हाथ लेके साथ में उतर रहा है। तो हम घूम लिए हैं जू, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, आई होप आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। तो चलो फाइनली अब हम जा रहे हैं होटल, तो मिल गई है हमें टैक्सी। हम गए तो टवेरा में थे, जहाँ हम एल्टो में रहे हैं, तो चलो होटल चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। ये जो चिंपैंजी दो से आ गए हैं, देखो मैडम। ओ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? आगे लेक है, इसमें दगाओगे क्या गाड़ी? अब दोबारा बोटिंग करने का मन है इसका, दोबारा करेगी क्या बोटिंग? हाँ देखो फिश कितनी सारी, हम बोटिंग करने जा रहे थे तो हमने देखा साइड में इतनी सारी फिश है, इस सारी झील में फिश ही फिश है, बहुत सारी फिश है, और बहुत बड़ी बड़ी फिश भी है यहाँ पे, ये देखो। तो हम करने जा रहे हैं बोटिंग, सेकंड टाइम बोटिंग करने जा रहे हैं। आओ बुल्लू, आओ, आ जाओ। चलो जी, यहाँ से मिलेगी, यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं, हमारी वोट, अब जा रहे हैं हम वोटिंग के लिए। तो चलो चढ़ रहे हैं वोटिंग पे, मिलते हैं नीचे जहाज में, जल्दी चलो। एवरीवन, हम आ गए दोबारा वोट में, ये देखिए। अब हमने, पहले हमने ली थी उधर से वोट, हम यहाँ तक आए थे, अब हमने यहाँ से वोट लिया, तो हम बीचों बीच घूमेंगे अब, राइट? बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ, तो मौसम तो समझ नहीं आ रहा है। अभी हम ऊपर जू में थे तो इतना ज्यादा बादल था और एकदम से धूप आ गई है। बुल्लू, आई यू एंजॉयिंग? कैसा लगा आपको जू में? बहुत अच्छा, बहुत सारे आपने एनिमल्स देखे, राइट? बहुत, एलिफेंट के अलावा। ओह, एलिफेंट नहीं देखा, एलिफेंट आ नहीं सकता ना बुल्लू इतना ऊपर। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं बोट के मजे। तो हमारे जो है बोट चलाने वाले भैया चेंज हो गए हैं, वो भैया ये रहे, और ये देखो कौन चला रहा है बोट। बहुत मजा आ रहा है, मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन जान मेरी और बुल्लू की सूखी है, भैया ने भी बुल्लू का हाथ पकड़ रखा है कि कहीं कुछ होना चाहिए। ये देखो जी, आप लोग भी आ जाओ नैनीताल मेरी बोट में घूमना। ये देखो जी, ये देखो इनकी बोट में घूमना, ये देखो कितनी फास्ट हो रही है। तो तुम तेज चला रहे हो, इसलिए बत्ती तेज चला रहा है भाई, आराम से करना है, आराम से।
इतना अच्छा तो भैया चला रहे थे, ये खत्म हो गई। क्या हुआ? नहीं चल रही है ये। ये देखो भैया बहुत मजे आ रही है, एकदम हमको ताल के बीचों बीच ले गया। ये देखो भैया इतनी तेज चला रहे हैं, तो हमारा पूरा राउंड 5 मिनट में करवा दिया इस आदमी ने पूरा। और भैया चलाते हैं तो 15-20 मिनट तो कम से कम लगते हैं। और आप पीछे देखिए कितना बढ़िया हो रहा है, अभी हम वहाँ ऊपर थे जूम में और अब हम यहाँ हैं। वाओ यार, इट इज लाइक सो ब्यूटीफुल। ये देखो मस्त एकदम, बहुत मजा आ रहा है भैया, बहुत ही मस्त हो रहा है माहौल। एक्सरसाइज भी हो रही है। हाँ, एक तो जिम हमारा आधा नैनीताल में हो गया था, जू में ऊपर इतना चलना पड़ा और अब हो रहा है यहाँ। ये देखो दोबारा, अब कौन नाव चलाने का, जब पलटी नहीं पलटी अब 100% पलटेगी। हम दोनों को डर लग रहा है कि पीछे से एक और नाव आ रही है और हमारी एरिया एक्सीडेंट ना कर दे। भैया होगा एक्सीडेंट। ए ठुकी ठुकी ठुके 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 ठुके, ये ड्राइवर चेंज कर लिया वरना अभी एक्सीडेंट हो जाता भैया। रे नाव टेढ़ी हो गई, पलट गई, डर लग रहा है। तो चलो गाइस, हवा टाइट हो रही है बहुत ज्यादा, ऐसे ऐसे ड्राइवर नाव चला रहे हैं कि भैया बस ही। तो चलो चलते हैं होटल। ए भगवान, कह दिए किनारे पे लगे, हम जल्दी होटल में जाएं अपने। आ गया, पकड़ के आओ आगे, पापा का हाथ पकड़ लो, आ जाओ। तो ये आ गए दोनों, हम खा रहे हैं आइसक्रीम। बहुत देर से आइसक्रीम चल रहा था, तो बुल्लू ने लिया है स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट और यहाँ लिया है पिस्ता एंड मैंगो। भाई साहब चीयर्स करना दोनों जरा एक बार। ये बहुत ज्यादा एंजॉय किया, जू भी घूम लिए और बोटिंग भी कर ली, कसम से थक गए। तो अब हम आए हैं ऊपर टेरिस पे, क्यों, क्योंकि आज है बुल्लू का बर्थडे। तो हमने वो जो आपको दिख रही है साइड में टेबल, वो बुक कराई है, वहाँ इसकी बर्थडे का सारा एडजस्टमेंट कराएंगे रात को। तो रात को नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप तैयार रहें। तो ये रही हमारी बुल्लू, इसका है बर्थडे, तो आप प्लीज़ तैयार रहिएगा, वो ब्लॉग ज़रूर देखना। तो ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।